ओए ऐ क्या है ओए यार एचपीएल तो ध्यान ही नहीं किया शिप 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 कोई बात नहीं होता है दुनिया है चलता है कभी कभी तुसी रडान दे थमी नहीं मरदे तो कभी कभी तुसी ऐवें ही मर जंदे हो ठीक है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है आसिफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों एल्डन रिंग के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आपका भाई फिर से हाजिर हो चुका है। कैलड एरिया चल रहा है जनाब वॉक थ्रू 100% जो कि हमें लेके जाएगा रडान तक जनरल रडान दी ऐसी दी तैसी। तो आज के वीडियो में आमर दस जनरल डांग के कैसल का जो रस्ते वाला एरिया है उसको हमने शुरू कर दिया है फड़काना। लास्ट हमने गेल टनल की थी, आज हम एक बड़े ही माइनर एंट्री कैटाकॉम्स देखने लगे हैं और उसकी सराउंडिंग का एरिया जो है उसका सफाया करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जनाब कैटाकॉम्स में आज हमें क्या देखने को मिलता है और कैलड का कितना को एरिया आज हम कवर कर पाते हैं इस एपिसोड में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल माय न्यू वीडियोस थ्रू नोटिफिकेशन। और एक छोटी सी चीज ऐड करता चलूंगा, इंडिया से मुझे बहुत सारा प्यार कॉमेंट्स और लाइक्स की जरूरत में मिलता रहता है तो इंडियन फैंस के लिए लव यू हो गया। लास्ट हमने गेल टनल गेल थी कि गेल थी कि गोल थी कि क्या थी और टनल ऐसी फटकाई सी ये बॉर्डर पे हम खड़े हुए हैं। तो जैसे कि हमने लिमग्रेव लोरिनिया दी लेक और माइनर क्या था यार वो ऊपर वाला वो आतिश विशाम वॉलकैनो मैनर वाला एरिया जो है वो फटकाया था वैसे ही इन डिटेल हम कैटाकॉम भी करेंगे। लेकिन इसका बॉस भी हम ये रस्ते की दो चार टनल्स और केव्स फटका के तो जो रडान है उन्होंने टाइम थ्री अपर रगड़ देना ये नहीं क्योंकि एरिया काफ़ी मैसिव है तो पूरा एरिया करके रडान तक पहुंचा जाए इससे पहले कि रडान छेल दे तो उसके बाद आराम से हम एरिया करते रहेंगे ठीक है। अब यहाँ से अब फर्दर हमने जाना है इस चर्च में। अच्छा इसमें कुछ एरियाज जो हैं वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं उनको जस्ट हमने एक चक्कर लगा के आपको सिर्फ रिमाइंड करवाना है कि पाइन एथों होके असी है जहाज तरह घोड़ा डा के होके जा चुके हुए हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट लूट्स थी उन एरियाज में जो हमने ऑलरेडी उठा चुकी हैं। सोम्बर स्मिथिंग स्टोन पकड़ा था हमने और बहुत सारे और वेपन्स और इस तरह की चीज़ें इन एरियाज में आती जाती रही हैं पहले। लेकिन मैंने चूँकि प्रॉपर रूट बनाया हुआ टोटल वॉक थ्रू का जो आप लोग अगर मेरा वॉक थ्रू शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मैं कोशिश है मेरी कि मैं प्रॉपर रूट के साथ चलूँ क्योंकि एल्डन रिंग का जो सबसे बड़ा स्यापा है ना कोई भी खेलने वाला नया खेलता है जब भी तो स्यापा ही है कि इसका कोई प्रॉपर रूट डिफाइन नहीं है। आप ओपन वर्ल्ड है जहां मर्जी मुंह चुक के चले जाए। तो मैंने कोशिश की है कि अपने वॉक थ्रू में एक तो इसको जितना ईजी रख सकूँ और रखूँ। समोल्डरिंग चर्च में हम पहुँच गए हैं, इसकी साइट ऑफ ग्रेस मेरी एक्टिवेट है। यहाँ पर आपने दो बड़ी अच्छी कुक बुक्स आपको मिलेंगी वो पकड़ लेनी है और साइट ऑफ ग्रेस तुसी कर लेनी है एक्टिवेट ठीक है। तो अभी हम बॉर्डर के नज़दीक नज़दीक लिमग्रेव और कैलड का बॉर्डर एक ही है तो उनके दरमियान का जो एरिया है जो उसके नज़दीक टनल्स और केव्स जितनी आएगी उसको फटकाते हुए हम आगे बढ़ेंगे ठीक है। मॉर्निंग द टाइम ही तुसी रखना है, कोशिश करना है ताकि जो नाइट बॉसेस हैं उनसे हमारा कोई टाकरा ना हो या कुछ ऐसा ना हो। नाइट बॉसेस भी याद आया वॉलकैनो मैनर का कोई नाइट बॉस पता नहीं हमने मारा कि नहीं। 297 पे हम बैठे हुए हैं, 831,000 रूम्स चाहिए और एट्रीब्यूट्स जो है वो आपके सामने हैं 51 दम लटरम पटरम और ये सारे टैलिस्मैन हमने एक्टिवेट किए हुए हैं ठीक है। और ऐप जैसे कि ये जगह जगह आपको ओपन वर्ल्ड में ये स्वाड मिलेंगी और यहाँ पे कुछ लिखाई शिखाई है पढ़नी हुई पढ़ लेना ऑप्शनल है कुछ ज़रूरी नहीं है ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि इसको हम इतना को इजी रखें कि एक नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही मेरी जैसा छोटा सा गेमर भी एल्डन रिंग को ऐसे हलवा बना के खेल ले ठीक है। रडान को हमने पहली अटैम्प्ट में मारना मेरा चैलेंज है ठीक है खुद के लिए चलो ठीक है। यहाँ से आपने एक अदद ग्रीस हैट मिलेगा वो चुक लेना तुसी या जो भी लूट होगी अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है कि क्या पड़ा हुआ था यहाँ पर ठीक है। ये चेक करें जितना जितना रेड रेड एरिया है समझे वो फोर्ट भी आपा फड़काना है अगली एक अद्धी किस्त में। ये सीधा नीचे जाएगा माइनर एंट्री तक जहाँ से एक बड़े अच्छे क्रिस्टल टीयर मिलेंगे हमें लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे इसी एपिसोड में जाएंगे लेकिन आगे से होके फिर वापस आते हैं। तो यहाँ पर एक और साइट ऑफ ग्रेस है इस चर्च के अंदर ये नुक्कर में एक अदद बड़ी मज़ेदार किस्म का स्मिथिंग स्टोन आई थिंक जो पड़ा हुआ है शेक ऑफ द रोटिंग ठीक है। तो यहाँ से वो उठा लेनी है आपने और थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर कर लेना। नहीं मिस हो गया, मिस हो गया कोई बात नहीं। ओए थल्ले भी गड्डी हो गया चलो पाटो।
तो ये बड़े बड़े जो एल और का हैं सारे मारने हैं, अपन टेंशन नहीं लेनी, इन ये सारे रीस्पॉन वाले हैं। लेकिन एक दफ़ा आपका भाई आपको दिखाएगा मार के कि आपके भाई के वॉक थ्रू का फ़ायदा आपको क्या हो रहा है और हमारी बिल्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है कि कैलड में ये इतने को कुत्ते ये डॉग्स जो बने हुए हैं बड़े बड़े और इस तरह के ये जो कां हैं, ये कां कह लें, क्रो कह लें, जो भी हम कह लें, कबूतर कह लें, जो तड़ा दिल करता है कह लो, ये इतने कुछ ज़्यादा हैं, इतने कुछ ज़्यादा हैं कि आप परेशान हो जाएंगे मार मार के, और इतने कुछ डेडली हैं कि मैं कहना बंदा कहता 2639 पे डैमेज गया। ओए होए 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 की लाया हो आप। चल भाई ये सारे के सारे एनिमीज, सारे एनिमीज रिस्पॉन होने वाले, तो इसलिए टेंशन नहीं रहनी, कोई मिस भी हो जाए तो कोई परेशानी वाली गल नहीं। ओ सामने चेक करो फौजा चढ़िया ने, ठीक है। इधर से ऊपर जाके मैं जरा एक दफा नजर मारना कि उत्ते कुछ प्याद नहीं है। ये वो है चर्च, नीचे से ऐसे घूम के हम आए हैं। लेफ्ट साइड पे नीचे जाएंगे तो माइनर एट्री का एरिया ये वाला, ठीक है। ये एट्री जो येलो कलर का एरो बना हुआ, वहाँ पे भी जाना है हमने, और वो सामने एरिया भी पड़काना। टेंशन नहीं लेनी, हर चीज़ की बारी आएगी, लेकिन बारी 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 आएगी। एक तो हम जहाँ से आए हैं वो दीवार, जलती हुई दीवार क्रॉस करके वो भी एरिया है, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस दरख्त के ज़रिए भी आई थिंक सो जा सकते हो नीचे। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हाँ जी जा सकते हैं बिल्कुल, इधर से अभी हम नीचे आ सकते हैं, ठीक है। ये माइनर एट्री जो है अनफॉर्चुनेटली मैंने मार लिया हुआ है, नहीं मारा फॉर्चुनेटली है, मार लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आपको स्ट्रेटेजी मैं बस बता देता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने से पहले ये जितने गार्ड खड़े हुए ना, इन सब को आपने वन बाई वन मार देना, क्योंकि जब आप माइनर एट्री से फाइट करने लगेंगे तो ये खोती के बच्चे आके बीच में आपको तंग करेंगे। वो जहाँ पे मार्कर लगाया हुआ मैंने, वहाँ पे माइनर एट्री है। वो डेड बॉडीज़ ने आहो डेड बॉडीज ने ऐमें तलवारा चलाई जा रहे हैं। ओए चल ओके 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 चलो, लबना लुबना है ना जो कुछ भी नहीं था नो, बस ये है कि इनको सबको आपने मार लेना है, ताकि आप जब माइनर एड ट्री तक जाएं तो इनकी डेड बॉडीज ही पड़ी हों, ये उठ के आके आप पे हमला रहे। वो सामने जहाँ पे मार्कर है वहाँ पे माइनर एड ट्री खड़ा होगा। वो एट्री हमने पहले काफ़ी सारे मारे हुए हैं और ये भी मैंने मार लिया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी फुटेज हम नहीं बना पाए, तो उसके लिए फाइन माजरत है, ठीक है। लेकिन जो है आप लोगों ने मार लेना, बहुत इजी है, समन किए बगैर ही मार जाएगा। अगर आप मेरा वॉक थ्रू फॉलो कर रहे हैं तो समझें ये एट्री आपके लिए हलवा है। अब इसकी बैक साइड पर एक कैटाकॉम्स हैं, वो हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हुए, तो वहाँ पर चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। वो देखें वो एरिया वही है जहाँ पे हमने तीन इन्वेडर मारे थे, वो चेक करें, वो थे वही लैके खड़ा है बड़ा सारा जार, ठीक है जी। एट्री की बैक साइड पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आके आपको कैटाकॉम्स मिलेंगे, माइनर एट्री कैटाकॉम्स। लो जी ये मार्कर इसके अंदर कैसे लग गए, ये बहुत ही डेडली हैं, इसलिए इनसे बड़ा ध्यान से बच के रहना आपने। आया भाई ओए थले ना डिग पी चौधरी। चलो 297 पे हम पहुंच चुके हैं। आई होप के रडान को मारने तक हम लोग 300 क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि स्यापा आया वे कि इस टाइम 8.5 लाख रू बह कितने चल रहा है चौधरी, 8.5 लाख रूम चाहिए हमें फी लेवल पे। तो ये छोटे छोटे टैने मैंने मार के कुछ भी नहीं मिलता आपको, तो आपको घूम फिर के रून फार्मिंग ही करनी पड़ती है। आ जा भाई इतों को ढांचा उठेगा नहीं, वो स्कारलेट है इतने ते, ये तो डेड वो डेड टूट है, ये तो पानी में घुसेंगे तो साथ ही पॉइजन होना शुरू हो जाएगा, रॉट पॉइजन। ओके आया भाई वन, चलो आ जाओ आ जाओ सारे इकट्ठे हो गए, आ जाओ वारी वारी प्रसाद रह गए। चलो
तीन हो गई। चार होगी, पांच होगी। चलो पाटो था बाहर, पाटो। अच्छा जी, अब चला जाए अंदर। अब आई थिंक सो कुछ रह नहीं गया इसके अंदर। मिल गया। ये हमें मिला है ग्रेव ग्लोवरट 5। ये कहाँ से? अच्छा वो उत्ते खलो के खोती था बच्चा जंप मार, वो ग्रेव ग्लोवरट वो भी है एक। ओए ऐ क्या है? ओए यार एचपीएल तो ध्यान ही नहीं किया। शिप। कोई बात नहीं, होता है, दुनिया है, चलता है। कभी कभी तुसी रडान दे हथों भी नहीं मरते, तो कभी कभी तुसी ऐम ही मर जाते हो। ठीक है, तो ये आपके जेहन में रहता है कभी कभी। कोई बात नहीं, हमारे पास क्लिंजिंग मी है, फ्लेम क्लिंजिंग मी। ठीक है, क्लिंजिंग मी का मतलब ये है कि जो रोट का वो रेड पट्टी चाहती होती जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बार नीचे होती फुल होने पे, तो ये जैसे ही फुल हो आप एक दफ़ा क्लिंजिंग मी करेंगे तो वो सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी दोबारा से हमें ट्रैक करना पड़ेगा फॉलो। ओके, अब तो नीचे जाएंगे तो डोगी की मौत ही मरेंगे। होए लीवर किथे वे चौधरी, दस दियो सानू। सबसे पहले जाके हमने रूंज उठाने हैं और वो डेड मुच मच्छी वाले थे, रिस्पॉन हो गए होने सारे साले के सारे। अच्छा इधर जाना था हमने, इधर ऐ पेज है साढ़े रूंज, ध्यान ऐ फड़ो, चुप करके ऐ फड़ो ते आयो वापस। ग्रेव ग्लोवरट 3, ठीक है जी। ओके, ये तो प्लेटफॉर्म ऊपर गया है, इसका मतलब है नीचे भी हम जा सकते हैं। चलो फिर, आया भी डड्डू मच्छी। ए ए आ, नामी डड्डू मच्छी उन रामी। चल भाई थल्ले भी हुई स्यापा। ओए होए 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 होए। ओके, सारियां लेवियां साढ़े उत्ते डिगनियां ने। यार इनको मारने का फायदा तो है कोई नहीं, ये फजूल में हमने सिर्फ अपना वो रोट ही बढ़ाना है। ओए की हो गया, हाथ होगी यार। चलो अंदर बफ लग ही गया तो फिर उन्होंने फड़का के जाइए। चल। ओके चलो जी, इतों फड़ लो दूजी तलवार, करो फुल। तो खुफिया रास्ता ढूंढने का टाइम आ चुका है। ए ए ए, ए आ, मिल गया। वाओ, सीढ़ियां मिल चुकी हैं हमें। खोती का बच्चा यहाँ पे कोई ना कोई छुप के बैठा होगा। हाँ काफी सारे हैं। ओए केकड़े ने, वाओ गोल्डन रून 4। यार एक तो बहना शुरू कर दिता फोरन ही, एडा ही थक जाता है बंदा पूछे। ओके सीढ़ियां नजर आ गई, सीढ़ियां यहाँ पे कुछ होगा लाजमी। ओके जी आ जाओ, इतने पता सी मैनू क्या नुक्कर जी है खोती का। अच्छा भाई तू सुता है, तेन इतने पहरेदारी का तनखा दे दी, तू सुता है मामा। सारे डेड बोर्ड। ओके आ जा,
चौधरी मारो भी गया ही सट है, ब्लीड इफेक्ट आ गया। यहाँ पे बड़ी ही प्यारी चीज मिलेगी, इम्प हेड वुल्फ का। इससे क्या होगा, अगर आप ये पहन लेंगे तो इससे आपका 2 इंड्योरेंस बढ़ जाएगी, 60 से 62 हो रही है हमारी। तो फिलहाल हम यही पहन के आगे बढ़ेंगे। आजा भाई। ओ ऐ इसी ओ खोती दा बच्चा, जो जिथे असी मरे सन थले, ते ऐ उत्तों बोले छुड़ता पिया सी, ओतरी दा बच्चा। आ जाओ आ जाओ। ऐ की है, वाओ स्कार मेंटल बड, वाओ आओ जानू आओ। अच्छा जी, अब कहाँ पे जाना है, आओ बत्ती जला के देखिए लीवर यहाँ पे कोई है, और कोई लीवर है तो दस दो यार, नहीं लग रहा सानू, नहीं 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 यहाँ पे भी कोई लीवर नहीं है भाई। भाई क्या बनेगा अब, और पाइनल लीवर दस दो कितने वे। ओ मिल गया मिल गया, नहीं ये तो लिफ्ट का लीवर है, वॉशरूम का लीवर कौन सा है। साइट ऑफ ग्रेस पे हमने रेस्ट तो किया नहीं, इसका मतलब ये फ्रेश एनिमी था। आहा, अब पहुंचे हैं हम सही जगह पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब पहुंचे हैं हम सही जगह पे। ये चीज मेरे अजीज, ये नया एरिया है यहाँ पे। आई भाई बहुत ही कोई नया शोरत था बच्चा तू यार, कितों कितों डिगी जा रहे हैं। एक लीवर की खोलना वक्त ही फड़ेगे, वक्त नहीं। चलो लो जी, बॉस रूम का दरवाजा फाइनली हमने खोल लिया है। ताड़ियां फुलड़ियां पतासे बांट दो। ओके चल चल बेटे चलो। वो इनको मैं क्यों मार रहा हूँ यार, इनको मैं क्यों मार रहा हूँ, क्यों मैं अपनी एनर्जी जाया कर रहा हूँ। ये तो हम वैसे ही उसी एरिया में हैं, तोड़ बेटे मुंह ताड़े पापा चलो। बम 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 बम। ओ आ गया जे बॉस दा रूम, आ चला जे बस आ चला जे। एचपी लोए एचपी लोए, की करिए एक दम कंफर्म कर लेने दो। ए चलो ठीक है, आ जा भी बॉस। ओए बॉस रूम कित्थे वे, ओए दस दे ओए सानू। खोल गया फाइनली। वाहिद कैटागॉम है जिसने हमें इतना तंग किया, इतना खपाया यार, समझ नहीं थी आ रही किधर जाना। चलो भाई सारे बफ बुफ पूरे कर लो, कपड़े पा लो नहा लो धो लो, बफ साहब सानू ठोकन लगे जे, ते बफ साहब नू असी ठोकन लगे हाँ। चल 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 ऐशो वार आ जा भाई। इन्नी सारी एचपी ना मैं अंदर चला गया है। ओए दो बैटरी, ओए ओए ओए। चलो भाई गिनती गिनो, शाबाश। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह सतारह। चलो मैड पंपकिन हेड एशेस, वन ऑफ द बेस्ट एशेस इन द रिंग मैन। चलो भाई 17 सेकंड में 2 अदद बॉस पड़काए हैं, यानी कि ऑन एवरेज एक
8-8.5 सेकंड का पड़ा वो। एक्चुअली मैं जरा बोंदल गया था, मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैंने इससे जल्दी मार लेने। चलो भाई फाइनली हम बड़ी अच्छी माइनर एट्री कैटाकॉम फड़का के उसी एट्री वाले एरिया में वापस आ चुके हैं, ठीक है जी, जहाँ पे हम ये पूरा एरिया हमने फड़का लिया हुआ है। ये सारा यहाँ से शुरू हुए थे हम, ये गेल छेल भी फड़काती है, ए साइट ऑफ ग्रेज भी फड़काती है, ये रूनस भी हमारे हो गए, ए माइनर कौन सी शॉक था ये जो वुड का बना हुआ है, और ये सारा एरिया हम घूम घुमा के टीम पटैस कर चुके हैं। तो वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा, तो इसलिए इसको करते हैं यहीं पे दी एंड। मी आसिफ इरफान काजी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।